नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु तिवारी और आप देख रहे हैं देवभूमि का लोकप्रिय चैनल लाइव उत्तराखंड। हम हैं यहाँ पर लखनऊ में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि समूचा उत्तर प्रदेश यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। ये लोग यहाँ पर एक खास मकसद से आए हैं। यहाँ पर जल्द ही दाजी आने वाले हैं जो कि इन सभी को ध्यान सिखाएंगे। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ध्यान सीखने का और सिखाने का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर लोगों को बताया जाता है कि मात्र ध्यान करने से वो अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं कि उन्हें यहां पर हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट आकर कैसा लग रहा है, और जो कि दाजी आने वाले हैं यहाँ पर, तो उनकी जो इंतज़ार की एक बेसब्री है वो किस हद तक है उनके अंदर, और उनसे बात करेंगे कि यहाँ आकर उन्हें कैसा लग रहा है। तो चलते हैं लोगों के पास। समूचे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं लखनऊ के हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट पर, और दिल्ली, मुंबई और पूरे भारत के दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ पर दाजी से मिलने आए हैं। तो आइए बात करते हैं इन लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं दिल्ली केंद्र से आया हुआ हूँ यहाँ पे। पिछले रविवार को आ गया था मैं यहाँ पे उनके आने के इंतज़ार में, और तब से उस वातावरण में हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अलौकिक सा वातावरण है। हालांकि वो स्वयं शरीर रूप में यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए अभी तक, लेकिन जो वातावरण में उनकी उपस्थिति है वो हमें बहुत उद्वेलित या आंदोलित कर रही है। बहुत अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। इंतज़ार कर रहे हैं उनका, अभी पता लगा है कि वो स्वस्थ नहीं है, लेकिन यही मंगल कामना कर रहे हैं मालिक से, ऊपर परम पिता से, कि वो जल्दी स्वस्थ हों और हम सबके बीच उपस्थित हों ताकि हम उनके होने का, शरीर रूप से यहाँ होने का लाभ उठा सकें। देखिए, हम लोग विभिन्न जगह से हैं, अलग अलग भाषावादी या जाति या मतलब आपस में कोई वैसे कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप महसूस करें खुद भी घूम के तो आपको लगेगा यहाँ पे सब एक हैं। एक सब में आपस में बहुत प्यार सा है, एक अलग सा ही वातावरण है जो यहाँ से बाहर हमें नहीं देखने को मिलता है। तो एक उनके वो जो एक जैसे कहें पेड़ की छांव में हम हैं और उस एक जैसे सब चल रहे हैं। हम किसी को एक दूसरे को यहाँ नहीं जानते हुए भी सबको जानते हैं, सबसे ऐसा लगता है। अगर आप किसी से भी बात करें तो कोई आपको लगेगा नहीं कि हम उनको जानते हैं, उनको जानते हैं, लेकिन जब हम मिलेंगे उनसे बात करेंगे तो लगेगा हम बहुत पुराने, क्योंकि हमारा कनेक्टिंग पॉइंट एक है, वो है हमारे दाजी। तो उसकी वजह से हम सब एक हैं और अनेकता में एकता का भाव है ये। आइए चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? शाहजहाँपुर से आया। क्या नाम है आप? करुणा शंकर मिश्रा। कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। 26 तारीख के आए हैं, घर जैसा वातावरण है, सब आदमी अपने भाई बहन जैसा व्यवहार सब एक दूसरे से कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, और अपने मालिक की प्रेम में उनकी याद में सब डूबे हुए हैं। यहाँ का वातावरण बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने मालिक की गोद में हों। यद्यपि वो अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी वातावरण ऐसा है कि वो यहाँ उपस्थित हों। सूक्ष्म रूप से हम सब उनकी उपस्थिति महसूस कर रहे हैं। आप यहाँ आए हैं ध्यान करेंगे, कैसा लग रहा है आपको? पूज मालिक को प्रणाम और सभी भाई बहनों को नमस्कार, और उत्तराखंड के जो चैनल से हम बात कर रहे हैं उनको भी नमस्कार करते हैं कि पूरे भारत में हमें ये दिखाया जाएगा, और बहुत अच्छा लग रहा है। हम 26 तारीख के यहाँ आए हुए हैं, मालिक नहीं है फिर भी अब ऐसा लग रहा है कि मालिक हमारे साथ हैं और जल्दी आने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है। हालांकि अभी दाजी नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर जो लोगों में खुशी है और जो अपनापन दिख रहा है वो अनूठा है, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि मतलब मालिक का जो प्रयास है वो पूरा, वो बाई हार्ट सबको एकजुट में, मतलब जैसे एक माला होती है तो उसमें सारे मोतियों को पिरोया जाता है, उस तरीके का उनका प्रयास है, और बाई हार्ट सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया और कोई कॉन्सेप्ट कहीं पर है ही नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। और मुझे मतलब यहाँ पे आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मतलब ये उन मालिक की कृपा है, बस इतना कहना। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में ध्यान सिखाया जाता है, लोग दूर दूर से आते हैं इस संस्थान में आकर, आपको कैसा लगता है? ये इस संस्था से जुड़ने में मैंने जो फील किया है वो एक जीने की कला मिली हुई है,
और हमारे ग्लोबल गाइड का जो प्रयास है कि जन जन तक ये विधा पहुँचे, आध्यात्म में लोग डूबें और मानवीय मानवता से जुड़ें, ये हमारे मास्टर का प्रयास है। हम हैं आर्टफुलनेस इंस्टीट्यूट पर और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी बहनें हैं, इस समय भोजन काल है, लंच का समय है और यहाँ पर जो लोग आए हैं दूर दराज के क्षेत्रों से, वो यहाँ पर अब एक साथ भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी कुछ बहनें हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? हम यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और हम हमेशा फंक्शन में जाते रहते हैं। हमें यहाँ पे आके घर की बिल्कुल याद नहीं आती है और अंदर से बहुत हर्ष उल्लास रहता है यहाँ आने के। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, हमें तो हमेशा ही यहाँ आकर के मास्टर के फंक्शन में अच्छा लगता है। मास्टर अभी आया नहीं है तो बेसब्री हो रही है उनसे मिलने की? हाँ वो तो होगी। आप आए हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत दूर से। कहाँ से आए हैं? बनारस से आए हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? आपको इतनी धूप है यहाँ पे और लेकिन आप पंडाल में है लेकिन तब भी इतनी गर्मी में आप सब लोग? फिर भी अच्छा लग रहा है, इस पेड़ों की ऊर्जा भी मिल रही है हमें। अच्छा, अच्छी क्या करने वाले हैं आप लोग यहाँ पे? अभी इंतजार है बस, मालिक स्वस्थ हो जाए, हमारे बीच आए, हमसे मिले। अभी क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, खाना वाना खाएंगे फिर मालिक के, बस प्रेयर चिंती करते रह रहे हैं, प्रेयर करते रह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन भैया घर में तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ लेकिन कुछ सब सोचा तो चलिए कोई टेंशन कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम अच्छे से कुछ घर पर भी ख्याल नहीं आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। दादी के बारे में कुछ बताइए, आप कब उनसे मिले? अभी पहली बार मिलेंगे या फिर दूसरी बार मिलेंगे? अच्छा, चार साल पहले मिले। अच्छा, यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शांति महसूस हो रही है। कुछ बताइए यहाँ पे जो फंक्शन होने वाला है उस बारे जी में। जी जी, दादी नहीं आए इसका थोड़ा सा अफसोस रहा, तबीयत सही नहीं है दादी की। हम ईश्वर से कामना करते हैं जल्दी से मालिक आ जाएं और स्वस्थ हो जाएं। सबसे पहले कामना यही है कि वो स्वस्थ हो जाएं। हम उनके दर्शन के लिए तो कोई नहीं फिर से मिल लेंगे लेकिन वो स्वस्थ हो जाएं, हमारी ईश्वर से यही कामना है। यहाँ पे पूरा एक ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से दूर दूर से लोग आए हैं। जी जी, तो आपको नई बहनें मिली होंगी। जी बहुत अच्छा लगा है, नया परिवार, नए लोग, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत शांति है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। जब भी यहाँ आते हैं तभी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ, हैदराबाद गई थी मैं इससे पहले, बहुत अच्छा लगा था मुझे हैदराबाद। जय माता। तो देखा आपने यहाँ पे जो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है, श्री रामचंद्र मिशन द्वारा ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है लखनऊ में। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और उनकी बेसब्री आप साफ देख सकते हैं। दाजी जो यहाँ पर आने वाले हैं थोड़ा सा वो बीमार हैं लेकिन सभी लोग ये कामना कर रहे हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हों और यहाँ पर आकर उनको दर्शन दें और वो एक साथ मिलकर उन्हें ध्यान सिखा सकें। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें लाइव उत्तराखंड, खबरें उत्तराखंड की।